महिला अधिवक्ता के आरोपों सहित प्रबंध समिति का विवाद व पत्नी की नौकरी पर उठे सवालों को लेकर सुर्खियों में चल रहे डॉक्टर केशभान सिंह पटेल ने पूरे मामले को सुनियोजित साजिश बताया। उन्होंने कहा कि दरअसल स्वराज्यानंद संस्कृत विद्यालय मडोरी गुरसराय के वो प्रबंध मंत्री हैं। विद्यालय की करोड़ों कीमत की जमीन को पूर्व प्रबंधक द्वारा खुर्द बुर्द कर हड़पने का मामला न्यायालय में चल रहा है। इसे वापस लेने का दबाव उन पर बनाया जा रहा है। मुकदमा वापस न लेने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी से की है। डॉक्टर पटेल ने बताया कि महिला वकील द्वारा जिस दुनाली बंदूक से धमकाने का आरोप लगाया है, वो बंदूक वह 2 साल पहले सरेंडर कर चुके हैं। रही बात पत्नी की नौकरी की, तो उसकी कई बार जाँच हो चुकी है और कोई कमी नहीं मिली। ये है कि मुख्य मामला ये स्वराज्यानंद संस्कृत विद्यालय मड़ोरी गोसाई पास स्थित है। उस विद्यालय में 6 एकड़ जमीन है। 6 एकड़ जमीन को इनके नाना थे स्वर्गीय परमलाल मुखिया, इन्होंने षड्यंत्र के तहत 1.5 एकड़ जमीन अपनी विद्यालय को दे के 6 एकड़ रोड की कीमती जमीन उन्होंने अपने नाम करा ली। और उस जमीन नाम कराने के बाद आज उस जमीन की कीमत लगभग 30-40 करोड़ के लगभग उसकी कीमत है। उसके हड़पने के लिए इन्होंने प्रबंध समिति में आने के लिए एक फर्जी समानांतर कमेटी बनाई। उस कमेटी में ये अध्यक्ष हैं, इनकी मम्मी प्रबंधक हैं, इनके पापा मंत्री हैं, इनकी बहन सदस्य हैं, इनका भाई सदस्य है, इनके मौसी सदस्य हैं, इनके मौसिया उसमें सदस्य हैं। फर्जी तरीके बना के SDM कोर्ट में उसको दाखिल कर दिया है। क्योंकि वर्तमान में जो कमेटी चल रही है वो हम लोगों की कमेटी है, वो जायज कमेटी है जो शासन से मान्यता प्राप्त है। उस कमेटी को लेकर SDM कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। वो मुकदमा में कल तारीख निर्धारित है। जब भी उस मुकदमे की तारीख निर्धारित होती है, उसके 2-3 दिन पहले कोई ना कोई ये षड्यंत्र तैयार करती है कि षड्यंत्र है मानसिक रूप से दवा देने के लिए किसी तरह राजीनामा करा लीजिए। राजीनामा के लिए कई लोगों से बात हुई है, कई लोगों से प्रयास किया गया है, तो कहीं पैसे की सौदेबाजी करने लगती हैं, कहीं ये करने लगती हैं, कहीं हमारी पत्नी की शिकायत करने लगती झूठी, जबकि ऐसा कोई मामला है ही नहीं। मेरी पत्नी का सत्यापन 10 बार हो चुका है। बार बार कभी ये शिकायत करती, कभी दूसरी से करवा दी, कभी तीसरे से करवा दी। चूँकि ये तो 24 घंटे कचहरी में ही रहते हैं ना, इसके अलावा कोई काम है नहीं, बगाल वगैरह तो कुछ चलती नहीं है इनकी। ये सब बातों को लेके इन्होंने पहले प्रार्थना पत्र दिया, पुलिस ने उसकी जांच की तो उसमें मामला इनका झूठा पाया गया। अच्छा, जो इन्होंने घटना बताई जिस तारीख, उस तारीख को मैं था नहीं, मैं तो उस तारीख को इटावा शादी में गया था। वहाँ से मैं लौट के आया तो हमें पता चला कि इस तरह का प्रार्थना पत्र आया। इन्होंने कहा डबल बैरल से बंदूक से फायर किया गया, क्योंकि डबल बैरल बंदूक जो मेरी थी वो 2020 में जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हमने सिलेंडर कर दिया, वो जमा है हमारी, उसका हमारे पास कागज आदेश भी है हमारा उसके पास में है। इसके बाद में अब ये किसी तरह ये इतना दबाव बनाना चाहती है कि वो जमीन का मुकदमा जो यहाँ कमिश्नर महोदय के चल रहा है कि वहाँ कमेटी हम आ जाएंगे तो मामला वो वापस हो जाएगा, पूरी जमीन जो संपत्ति वो उसको मड़प लेंगे। हाँ, जाँच के लिए पूरे तैयार हो, जाँच के लिए तो मैंने खुद लिखा हुआ है। ये एक संगठित ग्रोह बना के भू माफिया की तरह, ये उसमें उनकी मम्मी शामिल है, इनका भाई शामिल है, इनका भाई भी वकील है, इनकी बहनें सब शामिल है, संगठित ग्रोह बना के पूरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। उस संबंध में हमने मुख्यमंत्री को शिकायत भी की है, उसकी जांच भी चल रही है। मैं